और इसके बारे में सर्टेन लोगों को खराब लगता है, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए, क्योंकि शराबबंदी के लिए और उस पर हम बिल्कुल गंभीर हैं, तो चंद लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए हैं, उन लोगों को बुरा लगता है। जो इसके खिलाफ हैं तो एक अलग बात है, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन भाई हम लोग तो लोगों की बात को सुने हैं, महिलाओं की बात को सुने हैं, और महिलाओं के अलावे कितनी बड़ी संख्या में पुरुष लोग इसके साथ थे, तो इसलिए देखिए शराब के खिलाफ हैं ज़्यादातर, और हम तो भाई बापू की बात मानते हैं और उन्होंने जो कुछ भी बात कही थी तो हम लोग उसको लागू किए हैं। और ऐसा नहीं है, चंद लोग तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो जिसको जो मन में आवे बोलते हैं। और हम देखे हैं कि कोई भी आदमी को हमने देखा ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया, इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबकी सहमति से हुआ शुरू हुआ है और लगातार ये चीज़ जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बड़ी इसको तो और प्रचारित करना चाहिए कि शराब पियोगे तो मरोगे, तो और बहुत और ये तो बिल्कुल गंभीर चीज है कि अगर शराब पियोगे तो जो हालत है शराब का, और जिसके लिए तो हम पहले भी बता चुके हैं भाई, उसका जो भी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में दुनिया भर के बारे में जो बताया गया कि साहब शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितनी बीमारियां फैलती है, इसको भी हम लोग कम प्रचारित किए हैं 18 से ही, अब इसको और ज़्यादा प्रचारित करेंगे। शराब कितना बुरी चीज़ है, लोगों की बीमारी का कारण है, लोगों की मृत्यु का कारण है, तब इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, क्या समझ में आ रही है बात, भूल गए क्या जिस समय शराब को लागू किया गया था और कितनी मजबूती के साथ एकजुट होकर के सब लोगों ने संकल्प लिया था विधानसभा विधान परिषद में, और सारे अधिकारियों का भी कराया गया था। तो इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात है तो उनको समझना चाहिए कि भाई अच्छी बात नहीं है, और बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका शुरू से रही है, आप जान लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई में भी कितनी बड़ी भूमिका रही है, बापू यहीं आए और यहाँ से ही जो शुरू हुआ है तो उसके बाद सोच लीजिए, तो एक एक चीज़ के बारे में तो समझना नहीं चाहिए कि 1917 में ही ना आए थे, चीज़ की कल समीक्षा करने वाले कि किन लोगों ने कितना कंप्लेन किया, उसका क्या उस पर एक्शन हुआ, एक एक चीज कल करेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जितना समय लगे हम लोग बैठ करके एक एक बारे में बात करेंगे, और इस चीज़ को तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए कि अच्छी चीज़ है, और हम बराबर कहते हैं कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, लेकिन इन सब चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और जो भी गलत करता है तो उसके ऊपर एक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ को देखेंगे कि आखिर कौन लोग ज़्यादा पकड़ाए, ये भी देखेंगे ना, जो पहले से हम लोगों ने पहले से ही बताया है कि भाई जो पहले ही सब का काम करता था तो आखिर आजकल कौन काम कर रहा है। तो हर चीज़ जो इतनी बार मीटिंग हुई है 16 से ही, और जो भी समीक्षा बैठक हुई है उसमें जितनी बातें कही गई है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कह दिया है कि एक एक बात के बारे में आप लोग पता करके और उसके आधार पर सारी चीज़ों को बताइए। तो कल तो करेंगे हम लोग विस्तृत बात करेंगे, और इसके लिए पूरी मजबूती के साथ इसको लागू करने के लिए और ज़्यादा हम लोग जो भी ज़रूरत है इसका प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में एक एक चीज़ की जानकारी देना, लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए अभियान चलाना, और जो गलत करता है उसके खिलाफ नियम के मुताबिक और कानून के मुताबिक एक्शन देना, तो इन सब चीज़ों पर कल पूरी बात होगी। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।